कार दोस्तों, मैं हूँ अखिलेश, आप देख रहे हैं वेटिंग फॉर यू। और आज के इस एपिसोड में मैं आपको होम अप्लायंसेस के बारे में ही बताने वाला हूँ। उसमें से वो एक होम अप्लायंसेस है, हम सोलार, आजकल इंडिया में सोलार बहुत इस्तेमाल में आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पावर कंजप्शन कम है होता है इसका, और ये सूरज पे ही काम करता है। और इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा नहीं मिलती है, विलेजेस में 8-8, 9-9 घंटे, कहीं तो भी मेरे जो विलेज है वहाँ पे तकरीबन 10 घंटे इलेक्ट्रिसिटी काटी जाती है दोस्तों। और रात को इलेक्ट्रिसिटी आती है, और तब काम होते हैं खेती के, मोटर्स वगैरह लगाना, पानी निकाल के रखना। तो इसीलिए जो फार्मर्स वगैरह है ये सोलार पे बहुत ज़्यादा निर्भर हो रहे हैं दोस्तों। इसीलिए मैंने वीडियो बनाने का कोशिश की, और मेरे पास भी एक सोलार का लाइट है। मतलब मेरे जो अंकल है वही सोलार इंजीनियर है, इसी वजह से मेरे पास बहुत अप्लायंसेस थी, पर हमारे पास अब दो ही, शायद दो के आसपास ही कुछ है मेरे पास, शायद सोलार अप्लायंसेस दो या तीन, कुछ तो भी ऐसा है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सोलार के अप्लायंसेस दिखा देता हूँ अपने, और उनके यूजेस भी बता देता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये है वो सोलार की प्लेट जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, आप देख सकते हैं एक सोलार की प्लेट है दोस्तों। ये सोलार की प्लेट इस तरह से काम करती है, इसके अंदर जो आप नीला जो भाग देख रहे हैं, जो पार्ट देख रहे हैं आप नीला, इस पे होता है सिलिकॉन। सो ये सिलिकॉन क्या करता है, जो एनर्जी आ रही है सन से, जो लाइट्स आ रहे हैं, रेज गिर रहे हैं, उन रेज को, ये जो लाइट एनर्जी है उनको सीधे केमिकल, आई एम सॉरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है दोस्तों। और इस तरह से सोलार काम करता है। इस सोलार प्लेट के लिए भी बहुत लंबा, मतलब क्या बोल सकते हैं, केबल भी बहुत लंबा है इसका, 5-6 मीटर का होगा, और नीचे भी गिर रहा है वो एलिमेंट, 5-6 मीटर तक का होगा शायद, आई एम सॉरी, 5-6 मीटर बहुत ज़्यादा होता है, एक 20 फीट तो होगा ये वायर। और इसके लिए ये देखिए छोटा सा कॉर्ड है इसका, ये नोकिया के पुराने फोन्स का जो कॉर्ड होता था वो कॉर्ड है ये, आप देख सकते हैं, ये देखिए ये है वो कॉर्ड नोकिया के छोटे फोन्स का। और अब ये है वो सोलार का लाइट, देखिए देख सकते हैं आप, इस पर एक छोटी सी सोलार की प्लेट लगी हुई है, ये देखिए, ये ऑटोमेटिक, इसके अंदर लिथियनियम आयन बैटरी है जो हमारे मोबाइल फोन्स में रहती है स्लिम, वो बैटरी इसके अंदर है। जब शुरू होती है सोलार से चार्जिंग, तो ये जो लाल लाइट, ये जो लाइट है, ये लाइट लाल हो जाता है दोस्तों। और यहाँ पे एक और केबल है छोटा सा, ये हम इलेक्ट्रिसिटी पे भी चार्ज कर सकते हैं। और ये जो, अगर इसकी ये फेल हो गई प्लेट, सो हम इसको इससे चार्ज कर सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप, एकदम आराम से इसमें फिट हो गया है ये। और इलेक्ट्रिसिटी पे भी चार्ज कर सकते हैं इसे, वैसा कुछ नहीं कि सिर्फ सोलार पे ही चार्ज करना है, इसको इलेक्ट्रिसिटी पे भी चार्ज कर सकते हैं। इसमें एक छोटा सा एलईडी है पर बहुत पावरफुल सोर्स है, देखिए ये फ़ोन अब रिफ्लेक्ट हो जाएगा अचानक से, ये देख सकते हैं आप। अब इस पर इतना बड़ा नहीं है क्योंकि मेरे पास ट्यूब है, पर एक अच्छा खासा और तेज़ है। और यहाँ पे इसका ये जो एक सिंगल ऑपरेटेड बटन भी है दोस्तों यहाँ पे, और ये इसके, इस बटन की खासियत है कि अंधेरे में हमें दिखता है क्योंकि इसके अंदर हल्का सा रेडियम है, सो इसकी वजह से हरा हो जाता है और दिख जाता है दोस्तों हमें। सो ये अप्लायंसेस बहुत इफेक्टिव है दोस्तों सोलार के लोग। और ये देख सकते हैं आप इसका शेप वगैरह कितनी पोर्टेबल हो सकती है, किधर भी ले जाने के लिए काफ़ी पोर्टेबल है, कहीं भी ले जा सकते हैं इसे, ऐसा हाथ में पकड़ के ले गए, चलो अब ले जाना है, बैग में डाला, सफ़र के लिए जाना है, बैग में डाल लिया, चलो भाई सफ़र को चलते हैं, आराम से कहीं भी रख दिया, चार्ज हो रहा है, हो गया, सिंपल है दोस्तों, अच्छा भी है और परफेक्ट भी है। सो ये वीडियो देखते रहिए, मैं और आपके इसके बारे में आपको बताता रहूँगा इन्फॉर्मेशन। सो दोस्तों, आपने इसके बारे में देख लिया, आप ये सोलार कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, अब मैं आपके बारे में इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जिस तरह से काम करते हैं दोस्तों, ये एकदम परफेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी सेव करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, और गवर्नमेंट भी हमारे अब सोलार पावर प्लांट इस्तेमाल कर रही है। गुजरात में एक निकाला गया है, मोदी जी के नेतृत्व में एक
निकाला गया है प्लांट सोलर का, जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी बनाता है और रिन्यूएबल, और गवर्नमेंट भी कह रही है और यूनियन ने भी कहा है हमें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हम अगर रिन्यूएबल सोर्सेस इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आगे जाके हमारे कोल वगैरह की खदानें भी खत्म हो सकती है। तो इसलिए इंडिया में भी बहुत ज़्यादा रिन्यूएबल सोर्सेस का काम शुरू हो गया है, बहुत रिन्यूएबल सोर्सेस इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। और नॉन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस जो हम कहते हैं अपारंपरिक सोर्सेस, उनको हम बंद कर रहे हैं धीरे 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 धीरे। हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, विंड इलेक्ट्रिसिटी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और कई रिन्यूएबल सोर्सेस है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे एटॉमिक एनर्जी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत में पहली बार यूरेनियम का अच्छा इस्तेमाल किया है। भारत नहीं, शांति प्रिय देश होने के कारण यूरेनियम जो है उसका इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। जैसे हम बहुत रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस है, और अब हम तो सूरज का भी इस्तेमाल करने लगे हैं सोलार से, और सोलार जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं, अगर झारखंड वगैरह में आप गए तो वहाँ पे सोलार के फैंस भी है, सीलिंग फैंस, और वो एक कई कंपनियों ने दिया है इंडिया के गवर्नमेंट के साथ लिंकअप होके। जैसे बहुत सी कंपनियाँ हैं, जैसे डीलाइट है, बाद में सूर्या है, और कई कंपनीज है जो कोलैबोरेशन में इंडियन गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन के साथ और उनके फाइनेंस की बदौलत घर घर में सोलार एनर्जी के बारे में ये दे रही है। बाद में एग्जीबिशंस भर रहे हैं सोलार एनर्जी के बारे में, सोलार एनर्जी कैसे इस्तेमाल करते हैं, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। सोलार हीटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वाटर हीटर्स लोग, इलेक्ट्रिसिटी इंस्टेंट हीटर्स या गैस गीजर्स के बजाय 25-25 30-30 लीटर के गैस गीजर्स, आई मीन सोलार हीटर्स के बारे में भी बहुत लोग काम कर रहे हैं दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। और ये मैं क्यों बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि होम अप्लायंसेस के बारे में, क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही है दोस्तों एवरीथिंग फॉर यू। सो मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, कारण क्योंकि नाम ही एवरीथिंग फॉर यू है। मैं होम अप्लायंसेस के बारे में बता रहा हूँ, कभी कभी ऐप्स के बारे में बता रहा हूँ, और कुछ दिनों के बाद और कुछ बताऊंगा, पर इसीलिए आप मुझे कहीं पागल ना समझ ले, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ दोस्तों। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, नहीं तो आप समझेंगे ये पागल हो गया यार। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।